बड़े से बड़े आयोजन रद्द हो गए, लेकिन छोटी काशी मंडी में मनाए जाने वाला शिवरात्रि महोत्सव कोरोना के संकट के बीच भी पूरे उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसी कड़ी के चलते विपाशा सदन मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने की। आपको बता दें कि वर्ष 2022 में कोरोना के बढ़ते मामले के कारण आयोजन पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के आयोजन के लिए एक बार फिर से रास्ता साफ हो गया है। 1 मार्च को महाशिवरात्रि है और 2 से 8 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा। पड्डल मैदान में मेला भी सजेगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। पड्डल मैदान में लगने वाले डोम और अन्य आयोजनों के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। इस बार भी देवता मेला हर हाल में होगा, लेकिन व्यापारिक मेले का आयोजन कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। शिवरात्रि इस मेला को लेकर के जो है हम सब मिलकर के इसकी चर्चा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हमारा एक त्यौहार है, मेला है, और इसको कैसे हम जैसे भी सुझाव आया है वहाँ से पैसा में सुझाव दिया है, यहाँ से डिप्टी कमिश्नर ने उसको सेटल किया है, कैसे हम इस मेले को और आगे जो है बढ़ा सकें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकें। पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा कि इस शिवरात्रि मेले को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने शिवधाम का जो एक बहुत बड़ा काम मंडी जिला में, और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि शिवरात्रि शिव जी भगवान माँ पार्वती माता जी को लेकर के ये काम शुरू किया गया है। एक बहुत बड़ी योजना है, इस योजना के ऊपर अभी तो हमें ऐसा लगता है कि हमें 200 करोड़ के लगभग खर्च करेंगे, लेकिन जब यह अंतिम चरण पे काम पूरा होगा तो कम से कम 300 करोड़ रुपये इसमें खर्च होगा। इसके साथ साथ जो नीचे से एक सिद्धांत के साथ ही जो उसके ऊपर की तरफ से नीचे से एक टनल बन रही है, मैं तो चाहूँगा कि उस टनल का नाम भी कोई सोचा जाए, शिव गुफा के नाम से कुछ ऐसा कोई ऐसी टनल बनाया जाए, तो ऐसा उसका नाम दिया जाए। और जो हमने अभी तक चर्चा की है कि COVID-19 को लेकर के भी हम विशेष इसमें बात का ध्यान रखें, क्योंकि जिस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हों, दूसरी जिले में प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, तीसरी में हम राज्यपाल हों, तो उस पर सबकी नज़र रहती है कि हम औरों को तो उपदेश देते हैं, लेकिन हम अपने जब हमारा कोई कार्यक्रम होता है तो उसको उसमें क्या हम एहतियात उस उन सावधानियों का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे हमने चर्चा की, ऋषि साहब ने सूझ कहा कि 1 लाख मास्क जो है हम किसी से लाभ मंगवा करके यहाँ पर जिलेब में भी, जिलेब के अलावा यहाँ जहाँ मेला होता है मेला ग्राउंड में भी जगह जगह हमारे ऐसे वॉलेंटियर्स जो है वो छोटे छोटे स्टॉल लगा करके जो है देखें। के चैनल के लिए मंडी से शिवानी की रिपोर्ट।